फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रो मैंगो ड्रिंक कैरी का पन्ना, कच्चे आम का पन्ना बनाना शेयर कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया तैयार होता है, टेस्टी लगता है पीने में और गुणों का खान है। ये एक तरह से मेडिसिन है। विटामिन सी तो होते ही हैं इसमें। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, एसिडिटी भी सही करता है, गर्मी से बचाव में तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। लू लगने के बाद भी इसे पीने से काफ़ी राहत मिलता है, परेशानी दूर होता है, एनीमिया में भी फायदे करता है, पाचन क्रिया भी सही करता है। तो आइए इसे बनाना शेयर करते हैं। इस तरह से हमने 5-7 आम ले लिया है जो हम अभी तोड़े हैं पेड़ से, तो हम इसमें पानी में डाल के छोड़ दिए हैं ताकि इसकी गर्मी निकल जाए। अगर आप बाज़ार से भी लाते हैं तो भी आप पानी में डाल के छोड़िए ताकि इसकी गर्मी निकल जाए। तो देखिए, इस तरह से अभी हमारा बीज नहीं हुआ। अगर बीज वाला आपके पास आम है तो साइड साइड से निकाल लीजिए। इस तरह से आम को साइड साइड से कट करके निकाल लीजिए। और इस तरह से अगर हम उबाल लेते हैं तो बहुत इजी तरीके से हमारा आम पन्ना तैयार हो जाता है। अगर हम साबुत आम को उबालते हैं फिर उसके गुद्दे को निकालते हैं तो थोड़ा सा टफ पड़ता है उसे बनाना। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे कट कर लिया। अब इसे एक गिलास पानी के अंदर उबाल लेंगे। पानी को हम बाद में फेंकेंगे नहीं, उस पानी को हम जूस बनाने में यूज कर लेंगे बाद में। तो इस तरह से हम 5 मिनट का टाइम दिए, हमारा आम उबल गया है। अब इसे हमें पीसना है। तो ये ठंडा हो गया है, इसे जार में डालते हैं। 5-7-10 पुदीने के पत्ते डालते हैं। अगर पुदीने का पत्ता नहीं है तो आप सिंपल जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर इस तरह से भी बना सकते हैं, अच्छा बनता है। इसमें गुण तो वही होते हैं, टेस्ट बढ़ जाते हैं, और जो पुदीने का पत्ता का टेस्ट है और उसका जो गुण है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा काला नमक, स्वादानुसार शक्कर पाउडर डालते हैं या शक्कर डालते हैं और इसे बढ़िया सा पीस लेते हैं। 2 मिनट में ये पीस के तैयार हो जाता है। देखिए, ये पीस के तैयार हो गया। अब एक बड़े से बॉल में इसे डाल लेते हैं। इस जूस को या ये ड्रिंक को थोड़ा सा गाढ़ा बनाना पड़ता है, थोड़ा अच्छा लगता है पीने में। गाढ़ा सा, हल्का सा गाढ़ा रहता है, तो बहुत ज़्यादा पतला होता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इससे हम 2 गिलास ड्रिंक बना रहे हैं। हमारे पास बड़े चम्मच से ये 4 या 5 चम्मच था, तो इससे 2 गिलास हमारा ड्रिंक बन के तैयार हो रहा है और बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। देखिए, इस तरह से घोल के तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर अभी ही जीरा पाउडर, चाट मसाला, जो टेस्ट आप चाहते हैं, जो फ्लेवर आप चाहते हैं आप डाल सकते हैं, या तो आप गिलास में भी उसे डाल सकते हैं। शक्कर और नमक तो इसमें पहले से डाला हुआ है। गिलास में आइस डालते हैं, इस जूस को डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट पाउडर, जो भी फ्लेवर आप चाहते हैं वो डालिए और इंजॉय कीजिए। आपको मेरी ये बनाने का तरीका अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।